हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स, इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है ADHD। ADHD की टॉप मेडिसिन बताऊँगा, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ADHD अटेंशन डिफिसिट हो गया, अटेंशन जो है ध्यान है वो खराब हो गया, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। दोस्तों, इसकी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाई है और एक एक सिम्टम पर दवाई का सिलेक्शन होता है। 50 इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले इसकी पहली दवाई है इथुजा में वही है कि इनएबिलिटी टू फिक्स द अटेंशन, माने जैसे आप अपने बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, वो अटेंशन बिल्कुल ही नहीं देता है और सब ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़ाने बैठाते हैं तो उसका अटेंशन, आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहा है, माने अटेंशन उसको आ ही नहीं रहा है। तो एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलना चाहिए। तो ऐसे सिम्टम में आप इथुजा 34 का 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए और डॉक्टर के संपर्क में भी रहिए, क्योंकि दवाई लंबी चलेगी, लेकिन इसी एक दवाई से, इसी एक सिम्टम के सहारे, इथुजा के सहारे जो है बच्चे का ADHD धीरे धीरे जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, इसका दूसरी दवाई का नाम है टेरेंटुला हिस्पेनिया। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, जैसे हमारे, हम जब गांव गए थे तो ADHD का एक पेशेंट इलाहाबाद से आया था, तो माँ बाप हमारे सामने बैठे हैं और लड़का जो है बैठा नहीं है, वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, 10 मिनट भी लड़का बैठा नहीं, वो लगातार चलता रहा। तो ये सिम्टम मिलता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप टेरेंटुला 34 का 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, बशर्ते कि सिम्टम एग्जैक्ट यही होना चाहिए, वो हाइपर एक्टिव है नहीं, उस मतलब नहीं है, कांस्टेंट मूव हमेशा चलता रहेगा, ये सिम्टम मिलता है तो आप जो है 2 बूंद करके दिन में 3 बार टेरेंटुला दीजिए, बच्चे का जो है ADHD धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अग्नि दवाई का नाम है हायोसाइमस। में क्या होता है कि हम बच्चा हाइपर एक्टिव तो रहेगा ही, लेकिन इसमें इसका इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, माने स्ट्रांग डिजायर टू स्ट्राइक एंड बाइट, माने काटने की, तोड़ने फोड़ने की क्षमता जो है ज़्यादा रहती है, स्ट्रांग डिजायर, हाइपर एक्टिव तो रहेगा ही हायोसाइमस का बच्चा। और इसके साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम, अपना जो है बच्चा है 5 साल का, अपना उसका जो है अपने सेक्स पर जो है हाथ लगाए रहता है, पेनिस पर उसका हाथ लगा रहता है, तो ऐसे सिम्टम आपको देना है हायोसाइमस 34 में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए, आपके बच्चे का यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसकी अगली दवाई का नाम है स्ट्रामोनियम। तो स्ट्रामोनियम सेम चीज़ है, बच्चा हाइपर एक्टिव रहेगा, बेचैन रहेगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा सिम्टम रहेगा कि स्ट्रामोनियम के बच्चे को फुल ऑफ फियर्स, माने पूरा डर से भरा रहता है, बच्चा डरपोक रहता है, हाइपर एक्टिव भी रहता है, लेकिन डर उसको लगा रहता है हमेशा, फुल ऑफ फियर्स। तो अगर ये सिम्टम मिलता है तो स्ट्रामोनियम 34 में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, बच्चे की आपकी यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सीना 30। इसमें क्या होता है, बच्चा एकदम जो है सुस्त रहता है, बच्चे को जो है मनाना बड़ा मुश्किल होता है, जिद्दी होता है, अगर उसको नाराज़ हो गया तो उसको आप मना नहीं सकते, और उसके साथ में बच्चे को रात में ग्रिंडिंग ऑफ टीथ, दांत जो है उसका ग्रिंडिंग करता है, ऐसे सिम्टम में खाली आपको देनी है सीना 34 में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। ADHD का ही 5 दवाई है मेन दवाई, आप एक एक सिम्टम पर जो सिम्टम मिले वही दवाई दीजिए, बच्चे का ADHD ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको ADHD का 5 गोल्डन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसी किसी वीडियो में। नमस्कार।